अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों अगर आप भी अपने पैरों से बिच्छियां उतार देते हैं या फिर बिच्छियां उतारते समय ये गलतियां करते हैं तो ऐसे में हो सकता है घोर अनर्थ। ऐसे में आप अपना पुराना बिछुआ बदलते समय ये गलतियां कभी भी ना करें, नहीं तो आपके पति को आपकी इस गलती का खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों माँ लक्ष्मी बहुत ही प्यारी है और चंचल स्वभाव होने के कारण अपने भक्तों से कभी भी ज्यादा समय तक नाराज नहीं रह सकती। अगर आप भी माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखिए जय माँ लक्ष्मी जय माता दी। दोस्तों माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों एक महिला के लिए सुहाग से जुड़ी निशानियां जैसे चूड़ियां मंगलसूत्र पायल सिंदूर और पैरों का बिछुआ बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, लेकिन खासकर यहाँ इस वीडियो में हम बिछुए की बात करने वाले हैं। शास्त्रों के अनुसार पैरों में बिछियां पहनने से ना सिर्फ फायदा मिलता है बल्कि इससे पति पर विपदा भी नहीं आती, वह संकट भी कभी भी नहीं आते। अक्सर महिला पैरों में बिछियां उतारते समय कई गलतियां कर देती है जिसके कारण उनके पति पर संकट आ जाते हैं और पैरों में बिछियां पहनते समय और इसे उतारते समय कई सावधानियां बरतनी चाहिए जो कि बहुत सी महिलाओं को मालूम ही नहीं होती। धर्म शास्त्रों के अनुसार हिंदू मुस्लिम महिलाएं दोनों ही पैरों में बिछियां पहनती हैं, लेकिन पैरों में ऐसी बिछियां कभी भी नहीं पहननी चाहिए, नहीं तो आपका वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो इस बात को जान लें कि अगर आप शादीशुदा है तो आपको पैरों में बिछियां जरूर पहननी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इसे पति की निशानी माना जाता है। पति पर कोई भारी विपदा ना आए इसलिए महिलाओं को पैरों में बिछियां जरूर पहननी चाहिए और वहीं कुंवारी कन्याओं को पैरों में बिछियां नहीं पहननी चाहिए क्योंकि इसे घोर पाप माना जाता है। दोस्तों पुरानी बिछियां उतारते समय और नया बिछिया पहनते समय महिलाओं को कई सावधानियां बरतनी चाहिए, नहीं तो आपके पति पर कष्ट आ सकते हैं। नया बिछिया पहनते समय पैरों में उसे आपको सटा करके पहनना चाहिए और पुराना तुरंत उतार देना चाहिए। ऐसे में नया बिछिया तुरंत आपके पैरों में आ जाता है और कभी भी आपको कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। शास्त्रों के अनुसार कभी भी महिलाओं को थोड़े समय के लिए भी अपने पैरों से बिछियां अलग नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसे सुहाग की निशानी होने के कारण किसी भी महिला को अपना बिछिया कभी किसी को देने की गलती भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। अगर आप पुराना बिछिया नहीं पहनना चाहते तो ऐसे में आप उसे उतार करके कहीं संभाल करके रख लीजिए। जब आप चेंज करें नया बिछुआ डालें तो पुराना संभाल करके रख लें, लेकिन फेंकने की गलती ना करें और ना ही किसी को देने की भूल करें। ये पाप आपको गलती से भी नहीं करना है। दरअसल बिछिया आपके अस्तित्व से जुड़ा होता है जो पति और पत्नी दोनों के प्रेम को दर्शाता है, इसलिए बिछियां कभी भी किसी को भी नहीं दिया जाता। इससे वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है क्योंकि ये आपके प्यार की निशानी है। दोस्तों बिछियां ना केवल पति की निशानी होती है बल्कि महिलाओं में कई बीमारियां भी ठीक हो जाती है। आपको बता दें चांदी के गहने चंद्रमा की शीतलता का प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए कमर के ऊपर सोने और कमर के नीचे के अंग में चांदी के आभूषण पहने जाते हैं। पैरों में बिछियां पहनने से पृथ्वी की कुदरती ऊर्जा ठीक होकर आपके शरीर में आती है जो मानसिक तनाव को कम करने में मददगार होती है और तन मन तरोताजा बना रहता है। ऐसे में महिलाओं का मासिक चक्र भी ठीक हो जाता है और पेट में पल रही संतान फलीफूत होती है, संतान को कोई भी पीड़ा नहीं होती, महिला का ब्लड सर्कुलेशन भी कंट्रोल में रहता है। पैरों में बिछियां पहनने से दिमाग ठंडा रहता है और किसी भी तरह की बीमारियां प्रवेश नहीं करती। दोस्तों पैरों में बिना किसी कारण अचानक से बिछियां टूट जाए तो अशुभ माना जाता है, इससे पति पत्नी पर कष्ट आते हैं और दोनों के बीच वाद विवाद हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार मंगल सूत्र का अचानक से टूट जाना, पैरों की पायल अचानक से टूट जाना किसी भी बड़ी अनहोनी की ओर इशारा करता है। ऐसे में महिला के गहने गुम होने पर भी अशुभ माना जाता है, खास करके अगर आपकी बिछिया या पायल गुम हो जाए तो माना जाता है कि माता लक्ष्मी आपसे नाराज है क्योंकि आभूषण माता लक्ष्मी की ही देन है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माँ लक्ष्मी जय माता दी।